दोस्तों एक दो साल पहले देखा जाए तो 10 से 15 रुपए में बिकने वाले फोन ज्यादा सेल हुआ करते थे, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। अब लोगों की जेब में धन आ चुका है। अब पब्लिक 25 से 30 रुपए वाले स्मार्टफोन्स की तरफ स्विच हो चुकी है। तो आज हम इंटरनेट के कोने कोने से टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन लेके आए, वो भी 30,000 की रेंज में सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। सारे फोन 30,000 की रेंज में है तो 5G तो होना ही चाहिए। और प्रोसेसर की बात करें तो डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर होना चाहिए या फिर स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर चलेगा। और वेरिएंट की बात करें तो 6/128 GB वेरिएंट होना चाहिए और 8/128 GB मिले तो क्या ही कहना। और डिस्प्ले एमोलेड होनी चाहिए, HDR10+ की सपोर्ट होनी चाहिए। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90Hz मिनिमम और 120Hz मैक्सिमम होना ही चाहिए। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है गूगल पिक्सल 6a। कुछ तो बहुत होंगे ना। हाँ हाँ भैया, गूगल का ही फोन है। देखिए, जिस किसी को फोन कैमरा पर्पस के लिए चाहिए और एक हैंडी फोन चाहिए तो ये फोन काफी शानदार है। तो चलिए इसके फीचर्स देखते हैं। इसमें 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाएगी, HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे काफी अच्छा वीडियो एक्सपीरियंस देगी। फिर आराम से आप हॉरर मूवीज वगैरह देखना। और एक रिफ्रेश रेट 60Hz है, जो कि हमारे क्राइटेरिया से थोड़े मैच नहीं करते, लेकिन बाकी फीचर्स की वजह से हमने इस अपनी टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट में ऐड किया है। कैमरा फोन है तो कैमरा तो अच्छा होना ही चाहिए। और एक खास बात बताएं क्या, इसमें खाली लड़कों के फोटो अच्छे आते हैं, लड़कियों के फोटो अच्छे नहीं आते। जो कि 12.2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया फोटो लाता है। और नथिंग फोन से भी हमने कंपेयर किया था, लेकिन गूगल पिक्सल 6a के फोटोज और वीडियोस काफी अच्छी थी। इसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पर बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के साथ। और हाँ, फ्रंट कैमरा कैसे भूलिए, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जो कि अच्छे फोटोज वगैरह लाता है। परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी अच्छा है। गूगल टेंसर का प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसका एंटूटू स्कोर 6 लाख से ऊपर है, यानी कि आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही 4410 mAh की बैटरी मिल जाएगी 18W की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। इसमें 6GB रैम मिल जाएगी LPDDR5 की, जो कि काफी बढ़िया है। और इसमें 128GB स्टोरेज मिल जाएगा UFS 3.1 के सपोर्ट के साथ। इसका 6/128 GB वेरिएंट फ्लिपकार्ट पे 31,000 रुपए का मिल जाएगा, जो कि सेल वगैरह में आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो और भी सस्ता मिल जाएगा। देखिए, इस फोन को लेने के काफी सारे फायदे हैं, जिसमें से एक बड़ा फायदा है कि इसमें 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे, वो भी टाइम टू टाइम। नंबर 4 पर है OnePlus Nord 2T। OnePlus उनके एक अलग ही खुशी आ जाती है ना, क्योंकि हमारे पास भी ठीक है। देखिए, ये एक ऑलराउंडर फोन है, चाहे गेमिंग के लिए चाहिए आपको फोन, चाहे कैमरा के लिए चाहिए, चाहे आपको खाली दिखावे के लिए चाहिए, ये फोन सबके लिए बढ़िया है। 6.4 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कैमरे पे ध्यान देना बनता है। इसमें सोनी IMX799 का 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा डुअल LED फ्लैश के साथ। फ्रंट में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, ये भी सोनी IMX615 सेंसर के साथ आता है। और वही परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साहब, इसमें MediaTek Dimensity 1300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसका एंटूटू स्कोर 6 लाख से ऊपर है। और 8GB रैम मिल जाएगी LPDDR5X की और 128GB स्टोरेज UFS 3.1 सपोर्ट के साथ। 4500 mAh की बैटरी है 80W की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। और धन की बात करें तो Amazon पे 8/128 GB वेरिएंट आपको 28,999 रुपए का देखने को मिल जाएगा। देखिए, जो कोई भी एक ऑलराउंडर फोन लेने की सोच रहा है, वो भी एक अच्छी ब्रांड में, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप ये फोन ले सकते हैं। नंबर 3 पर है Realme GT Neo 3T। ये एक गेमिंग फोन है और इस जमाने में ऐसे फोन आते ही हैं। और इसमें 6.62 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाएगा और इसमें 1300 nits ऑफ ब्राइटनेस भी मिल जाएगी, यानी कि आपको धूप में अगर अपना फोन यूज करेंगे तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगी, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस से लेके गेमिंग से लेके सब चीज में मजे बांध देगी। और इसमें 3 कैमरा सेटअप मिल जाएंगे, 64 MP का प्राइमरी कैमरा है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो यानी पिद्दू कैमरा। तीनों ही सेंसर काफी अच्छे फोटोज निकालते हैं और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पे, यानी कि खाली गेमिंग ही नहीं, वीडियो और फोटोग्राफी भी काफी अच्छी होने वाली है। और हाँ, 16 MP का सेल्फी कैमरा है, जिससे काफी अच्छी सेल्फी आती है। देखिए, ये एक गेमिंग फोन है तो गेमिंग के लिए और परफॉर्मेंस के लिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिल जाएगा,
जिसका एंटीटू स्कोर 7 लाख से ऊपर है। और गेमर्स के साथ और नॉर्मल यूजर्स के साथ एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि वो ज्यादा देर गेमिंग कर ले तो फोन हीट करने लग जाता है। हम भी एक गेमर है तो हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसमें स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा जो कि आपके फोन को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए रखेगा। देखिए ये फोन गेमर्स के लिए है तो गेमर्स को बड़ी बैटरी चाहिए होती है, तो जो कि है इसमें 5000mAh की बैटरी है 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। जरूरी नहीं है कि आप इसमें गेमिंग ही करेंगे, आप इस अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर सकते और इसमें 8GB LPDDR4X रैम और 128GB UFS 3.1 सपोर्ट है। और इतना ही नहीं इसमें 5GB वर्चुअल रैम है, यानी कि आपका 8GB वाला वेरिएंट 13GB हो जाएगा, यानी कि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस सब बढ़िया हो जाएगी। और हाँ, जितना बढ़िया फोन इतने बढ़िया पैसे। देखिए जिस किसी को भी एक गेमिंग फोन चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज एक अच्छा फोन चाहिए तो वो ये फोन ले सकते हैं। नंबर 2 पर है पोको F4, ये भी एक गेमिंग फोन है, काफी बढ़िया फोन है। इसमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, AMOLED डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट है। HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि गेमिंग हो या फिर वीडियो सभी का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया आने वाला है। और इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा OIS सेंसर के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पे और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा जिससे आप रील्स वगैरह बना सकते हो, फोटो वगैरह अच्छी खींच सकते हो, मस्त सेल्फी आएंगी, मस्त वीडियो बना सकते हो। और भी वीडियो फीचर है जैसे कि शॉर्ट वीडियो मोड, डुअल वीडियो मोड और वीलॉग, जिन लोगों के वीलॉग की ज्यादा खुजली है ना उनके लिए वीलॉग मोड भी है। स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिल जाएगा, इसका एंटीटू स्कोर 7 लाख से ऊपर है और इसमें 8GB रैम है LPDDR5 की और 128GB स्टोरेज है UFS 3.1 के सपोर्ट के साथ। और हाँ, इसमें भी लिक्विड कूल 2.0 जिससे आपका फोन ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा और 4500mAh की बैटरी है 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। और यार पैसा पैसा पैसा, जब देखो हम सारे फोन के बाद पैसे की बात करनी पड़ती है, लेकिन क्या करें यार, बिना पैसे के तो कुछ आने वाला है नहीं। इसका 8 128GB वेरियंट आपको फ्लिपकार्ट पर 27,999 रुपए का मिल जाएगा। पोको लवर लव यू। देखिए जिस किसी को एक गेमिंग फोन चाहिए या फिर परफॉर्मेंस वाइज एक अच्छा फोन चाहिए तो वो इस फोन को ले सकते हैं। और इस सीरीज का बाजीगर आ चुका है, यानी कि नंबर 1 आईकू नियो 7 5G। ये फोन नंबर 1 पे हमने इसलिए रखा, चाहे आप कैमरे की बात करें, चाहे आप परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे आप डिस्प्ले की बात करें, चाहे आप गेमिंग की बात करें, चाहे आप ओवरऑल फोन की बात करें, सब में ये फोन बढ़िया है। हमारे इस लिस्ट में साइज में सबसे बड़ा फोन है ये। 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी, हमारा तो मन करता है यार लेट जाओ इस फोन पे, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ और HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाएगा और ब्राइटनेस भी आपको 1300 nits की मिल जाएगी, यानी कि सब बढ़िया, सब बढ़िया है। और इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा OIS सेंसर के साथ और 2-2 मेगापिक्सल के छोटे छोटे कैमरे मिल जाएंगे जो कि आपकी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पर। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, सेल्फी हो, फोटो हो, वीडियो सब कहर ढाती है। और हाँ, प्रोसेसर कुछ खास है, इसमें इंडियाज फर्स्ट डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर मिल जाएगा जिसका एंटीटू स्कोर 8 लाख से भी ऊपर है और 8GB LPDDR5 की रैम है और 128GB UFS 3.1 का सपोर्ट है। और गेमर्स के लिए काफी खास फीचर्स है जैसे कि मोशन कंट्रोल और कूलिंग सिस्टम। और रैम की बात करें तो इसमें आप वर्चुअल रैम मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल डबल, यानी कि आपका 8GB वाला वेरिएंट डबल हो जाएगा, यानी कि 16GB का वेरिएंट हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस गेमिंग एकदम फाड़ हो जाएगा। और लास्ट में बात करते हैं धन, Amazon पे 8 128GB वेरिएंट आपको 29,999 रुपए का मिल जाएगा। देखिए ये फोन गेमिंग के लिए, कैमरे के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, सबके लिए बेस्ट है। अगर आप लोग सोच रहे हैं इस फोन को लेने के लिए तो हमारी तरफ से बिग थम्स अप। तो ये थी हमारी टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट अंडर 30,000 रुपीज। आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको स्मार्टफोन लेने में आसानी हो, हमारी ये लिस्ट उनको काफी पसंद आएगी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।